brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable Candid Dusting Powder के साथ. देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में एमए करके आए हैं. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए और एमफिल की डिग्री धारी हैं. राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बीएड पास हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीएससी इंजीनियरिंग पास हैं. उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी उत्तीर्ण. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से बीएड और लॉ की डिग्री धारी हैं. बहुत अच्छी बात है कि देश की केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों की प्रदेश सरकारों में बड़े और अहम मंत्रालय संभाल रहे लोग शिक्षित हैं. लेकिन सोचिए कि अगर जेएनयू में उस साल एमए इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो गया होता तो हमें निर्मला सीतारमण जैसी वित्त मंत्री कैसे मिलती. अगर बीएड की परीक्षा में नकल हो गई होती तो कैसे मिलते गोविंद सिंह डोटासरा जैसे शिक्षा मंत्री और संगठन के मजबूत नेता. उत्कल यूनिवर्सिटी के एमए एंथ्रोपोलॉजी की परीक्षा का अनुशासन भंग हो गया होता तो हमें धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री कैसे मिलते. राहत की एक सांस फेफड़ों तक जाकर मुंह के रास्ते बाहर आती है जब हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये काबिल ये वरिष्ठ मंत्री अच्छे से पढ़ाई कर सके, परीक्षा दे सके, पास हुए और मेहनत के दम पर देश के बड़े पदों तक पहुंचे. लेकिन राहत की ये सांस देश के लाखों युवाओं की श्वसन क्रिया का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही है. दिन रात एक करके, पेट पर रस्सी बांध करके, अलसाई आंखों पर छिट्टे मार करके बच्चे जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्या मजाल की उन नकल माफियाओं की, उस सिस्टम की जो इसका पर्चा लीक करा देते हैं, जो नकल को धंधा बना देते हैं. और क्या जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की और परीक्षा एजेंसियों की जो एक अदद लीक प्रूफ, नकल प्रूफ, धांधली प्रूफ परीक्षा प्रणाली तक नहीं खड़ी कर पा रहे. देश की खस्ताहाल परीक्षा प्रणाली जो किसी भी पार्टी के शासन के निरपेक्ष होकर के खस्ताहाल बनी हुई है उसकी एक एक परत आज खोली जाएगी. नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो. हम यहाँ से सालों से पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर तो भी फिर हमको उसका आउटपुट कुछ मिलता नहीं. बार बार एग्जाम लेना और वैसे ही फिर वो पोस्टपोन हो जाना. कितने पेपर्स इस सरकार में लीक हुए हैं और 100% मेरा दावा है कि ये सरकार के लोगों के शह पे होता है. यहाँ पे एमए खत्म करते करते 25-26 साल हो जाता है. आपको लगता है हमारा समाज ऐसा है कि हमारे माँ बाप इसके आगे लड़कियों पे तो शादी का प्रेशर बनने लगता है. नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी हो, हाल ही में एसईईटी हो, नेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में धांधली करके, पेपर लीक करके, कॉम्प्रोमाइज करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये यहाँ पर बैठे हुए बेशर्मों की तरह. नीट की परीक्षा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अभी तक खुलकर पता भी नहीं चल पाया कि इसी बीच 19 जून की रात खबर आई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी. 18 जून को ये परीक्षा आयोजित की गई थी और 24 घंटे के अंदर ही से रद्द करना पड़ा. एनटीए ने कहा कि परीक्षा की इंटीग्रिटी से समझौता हुआ है. एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को देश के तमाम शहरों में दो पालियों में ओएमआर पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी. 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C से कुछ इनपुट मिले. इन इनपुट से प्रथम दृष्टया संकेत मिला कि नेट परीक्षा का अनुशासन भंग हुआ है, संभवतः पेपर लीक हुआ है, इसी वजह से इसे रद्द करने का फैसला किया गया. नेट की परीक्षा अब नए सिरे से कराई जाएगी. इस बार क्या गड़बड़ी हुई इसकी जांच सीबीआई करेगी. यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद दिल्ली और लखनऊ में 20 जून को जमकर विरोध प्रदर्शन हुए. दिल्ली में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया. लखनऊ में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने जुट करके विरोध जताया. सबसे पहले इन छात्रों की बात आप सुन लीजिए. हमसे पूछा जाता है क्या एलिजिबल है कि नहीं, इनसे पूछिए ये एग्जाम दे पाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इनका कोई इंटरेस्ट होता है कि नहीं, इनका कोई ईमानदार है कि नहीं, लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए गवर्नमेंट की सैलरी
सैलरी पर, टैक्स पेयर्स की सैलरी पर ये इन ऑफिसेस में एसी रूम्स में बैठे हुए हैं। नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी हो, हाल ही में एसीईटी हो, नेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में धांधली करके, पेपर लीक करके, कॉम्प्रोमाइज करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये यहाँ पर बैठे हुए। ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ से सालों से पढ़ाई करते है, इतनी मेहनत करते है, पर तो भी फिर हमको उसका आउटपुट कुछ मिलता नहीं। बार बार एग्जाम लेना और वैसे ही फिर वो पोस्टपोन हो जाना और अपना पेपर फुट हो जाना, ये बहुत गलत बात है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है हमारे साथ। और जैसे कि बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं, जो अदर स्टेट से, अदर जिले से, उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ से आने के लिए उनको 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये का स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पे रहने की जगह नहीं रहती, तो वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। और वही परिस्थिति अगर दोबारा आएंगी और उसके बाद भी वो ऐसी हालत कर देंगे, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सरकार बनते ही उनका पहला एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो संज्ञान लेते हुए अपना इस्तीफा दें? सर, बहुत सारे छात्र नौकरी करते करते पढ़ाई कर रहे हैं। नेट आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए होता है। यहाँ पे एमए खत्म करते करते 25-26 साल हो जाता है। आपको लगता है हमारा समाज ऐसा है कि हमारे माँ बाप इसके आगे लड़कियों पर तो शादी का प्रेशर बनने लगता है? तो ये हमारे लिए एक सोर्स है कि हम अपना इंडिपेंडेंट हो पाए। ये बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। अब स्वास्थ्य में आप क्या कहते हैं, डॉक्टरों को बिठा देंगे, स्वास्थ्य के लिए आप फर्जी डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए पैसे लेके भेज देंगे, तो क्या हमारा स्वास्थ्य देखेंगे? और ऐसे ही आप यूजीसी नेट में क्या कहते हैं, फर्जी ऐसे पैसे लेके जो 5-5 लाख रुपए में पेपर बिका है, जैसे आप ऐसे क्या कहते हैं, फर्जी जो प्रोफेसर को चाहता ही नहीं होगा वो लोग रिसर्च करेंगे, तो क्या हमारे देश ऐसे आगे बढ़ेगा, युवा देश का भविष्य? लेकिन परीक्षा का अनुशासन टूटने का ये इकलौता या पहला मामला नहीं है। इसके पहले नीट परीक्षा को लेकर के भी पिछले कई दिनों से लगातार विवाद चल ही रहा है। आप जानते हैं कि 67 छात्रों को पूरे में से पूरे यानी 100% नंबर मिलने के बाद विवाद शुरू हुआ था। बाद में एग्जाम सेंटर से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप भी लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने 20 जून की सुनवाई में कहा था कि काउंसलिंग पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर 0.001% भी गड़बड़ी पाई गई तो जांच होगी। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए ने 4 अलग अलग अदालतों में लगी याचिकाओं को क्लब करने की भी मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है। नीट के मामले को हम टैलेंट टॉप शो में विस्तार से कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीट परीक्षा के सेंटर्स पर गड़बड़ी के आरोप हैं, पेपर लीक के आरोप हैं। पहले तो सरकार इस मामले में पेपर लीक से इनकार करती रही है, लेकिन अब इस मामले में एक अभ्यर्थी का कबूलनामा सामने आया है, जिसके आधार पर पेपर लीक के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिहार पुलिस ने इस मामले में अनुराग यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने कबूलनामे में कहा है कि मेरा नाम अनुराग यादव है, उम्र 22 साल है, मैं जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, नीट की तैयारी कोटा में रहकर मैं कर रहा था, मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर हैं, और फूफा ने बताया था कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया, फूफा ने 4 मई की रात मुझे नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिलाई, रात भर पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था, मैं स्कूल में देने परीक्षा गया तो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया हुआ था, वही प्रश्न पत्र एग्जाम में आया, परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। ये अनुराग यादव का बयान है। केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ईओयू ने इस मामले से जुड़े सबूतों की लिस्ट बना ली है। इस लिस्ट में क्या क्या है वो भी जान लीजिए। जला हुआ क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट, बुकलेट नंबर, पुरानी डेट का चेक और पेपर लीक माफिया से रिकवर किया गया मोबाइल फोन जो फॉर्मेट कर दिया गया है। इसके अलावा ईओयू को उस लोकेशन की भी जानकारी मिली है जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर कथित तौर पर रटवाए गए थे। आज तक पर छपी एक खबर के मुताबिक इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि उसने 4 नीट परीक्षार्थियों की मदद की थी, इन्हीं में से एक अनुराग भी था। ये भी बताया कि वो एक रैकेट के संपर्क में था जो न सिर्फ नीट बल्कि
बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के पेपर भी लीक कराने का दावा कर रहा था। जिस गेस्ट हाउस में ये परीक्षार्थी रुके थे वहाँ के बिल भी पुलिस के हाथ लगे हैं। गेस्ट हाउस की बिल बुक में एक मंत्री जी का उल्लेख भी बताया जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर अनुराग यादव और उसके सहयोगियों के ठहरने की व्यवस्था की थी। इस बात पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तो और भी बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया है वे प्रीतम नाम के व्यक्ति के संपर्क में थे और ये प्रीतम कुमार बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार सिकंदर यादवेंदु प्रीतम कुमार का रिश्तेदार है। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 94304699924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। विजय सिन्हा के इस आरोप पर राजद की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। मनोज झा तेजस्वी के बचाव में आए। इसमें जो शख्स दिख रहा है उसका नाम अमित आनंद है। कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई? पत्र संख्या 440 कहां है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंग पिन है, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पेपर लीक रोकने में नाकाम। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण BJP एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। बिहार का भैया, हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेट और नीट के मसले पर तमाम जो अन्य प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी एक एक करके आप सुन लीजिए। निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए। कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए। जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। जो भी घटना हो रही है, देश की जनता, देश की मीडिया, देश की प्रबुद्ध वर्ग सारा चीजों में इन्वॉल्व है। घबराने का कोई कारण नहीं है। देखिए साहब, हम चाहते हैं कि कोर्ट मॉनिटर्ड ये हाईकोर्ट इंक्वायरी हो,
सीबीआई को व्यापम में भी दिया था, क्या हुआ उसका? सीबीआई कभी कुछ जनता के हित में कभी कुछ सामने लाया? सीबीआई की स्पेशलिटी है वो विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े, इसके अलावा उन्होंने और कुछ सीखा नहीं है। आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ फायदा मतलब बाकी चीजों में मिली नहीं। यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, इसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पेपर लीक, नकल परीक्षा का अनुशासन भंग होना, ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक लंबी फहरिस्त है जो केंद्र और राज्य की सरकारों पर और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर सवाल उठा रही है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ और पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपीपीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट वाला और यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला। 2021 में यूपी टेट के पेपर लीक के आरोप लगे उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में 2021 में रीट का पेपर लीक हुआ, बड़ा चर्चित भी रहा राजनीतिक रूप से। 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2019 में पटवारी भर्ती का पेपर लीक हुआ। पश्चिम बंगाल में 2022 में डीएलएड का पेपर लीक हुआ। बिहार का बीपीएससी पेपर लीक, हिमाचल प्रदेश का एसएससी पेपर लीक, तमिलनाडु का 10वीं और 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक, और अब नेट और नीट की परीक्षा में पेपर लीक और उसके आरोप आपके सामने हैं। द वीक मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इनमें केंद्रीय एजेंसियों और राज्य स्तर के पेपर भी शामिल हैं। इन पेपर लीक के चलते करीब 1.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी हैं गोविंद जायसवाल, उन्होंने नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर के कहा कि ग्रेस मार्क्स को लेकर के विवाद हुआ। इसके अलावा पटना और गुजरात में एग्जाम में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। ये तीनों अलग अलग मुद्दे हैं। ग्रेस मार्क्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बिहार में ईओयू एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की जांच की जा रही है। इस बीच सवालिया निशान उन सभी संस्थाओं पर भी है जिनकी निगहबानी में ये परीक्षाएं हुई और परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, लेकिन हालिया घटनाओं में सबसे ज़्यादा सवाल एक एजेंसी पर है, वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या है एनटीए? एनटीए इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और फार्मेसी की पढ़ाई कराने वाले इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और फेलोशिप के लिए नेशनल लेवल पर कई एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराने वाली एजेंसी है। ये शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी। नीट और नेट के अलावा कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी सीमैट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीपैट और जेएनयू एंट्रेंस टेस्ट जैसी परीक्षाएं भी एनटीए ही करवाता है। इन तमाम परीक्षाओं के लिए पेपर बनाने का काम एनटीए का होता है। अब एनटीए पर सवाल उठने के पीछे एक अहम वजह यह भी है कि वो अधिकतर काम टेंडर व्यवस्था पर करवाता है। परीक्षा करवाने के लिए एनटीए की खुद की कोई व्यवस्था नहीं है। टेंडर निकाले जाते हैं और कंपनियों को हायर किया जाता है। ये कंपनियां ही परीक्षा केंद्र का काम पूरा देखती हैं और यहाँ तक कि पूरा स्टाफ भी आउटसोर्सिंग के जरिए हायर किया जाता है। जाहिर है कि जब काम तीसरे हाथ में चला गया तो लापरवाही या गड़बड़ी या लीक की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। 7 बार नेट क्लियर कर चुके शिक्षाविद अमित कुमार ने इंडिया टुडे से बात करते हुए एनटीए के कुछ और लूपहोल्स की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि एनटीए ने 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालकर बताया कि पेपर ओएमआर शीट पर होना है। ये जानकारी बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। नेट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में होती थी, पेपर तुरंत ही लॉक हो जाता था। इस साल परीक्षा पेन और पेपर मोड में कराई गई, इसकी भी कोई वजह स्पष्ट नहीं है। जो ओएमआर शीट दी गई थी वो भी इतनी पतली थी कि तुरंत फट जाए। लकड़ी की बेंच पर शीट रखकर छात्र उसे भर रहे थे, ऐसे में शीट डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है, इससे रिजल्ट भी इनवैलिड हो जाता है। एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी पर इस कथित धांधली के बाद सवाल उठ रहे हैं। प्रदीप मूलतः उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैं, पीएचडी डिग्रीधारी हैं। 1997 में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वो डीन बने। 2000 से 2006 तक इसी यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे। 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने।
इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की एक खबर के मुताबिक इसी के 8 साल बाद यानी 2014 में एक आरटीई के जरिए पता चला कि जोशी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने सिफारिश की थी। आरटीई एक्टिविस्ट अजय दुबे को मिले जवाब में जानकारी दी गई थी कि डॉक्टर जोशी के लिए की गई सिफारिश में विनोद जी ने लिखा था कि डॉक्टर प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में जबलपुर के रानी दुर्गा विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, चाहते हैं कि संघ लोक सेवा अध्यक्ष बने, नाम गया है। खैर ये तो हुए परीक्षा प्रणाली के लूपहोल्स और एनटीए पर बात, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं नकल माफिया, जिन्हें रोकने में सरकारें विफल साबित हो रही हैं। नकल माफियाओं के नकल कराने या पेपर लीक कराने के तमाम तरीके हैं, कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जो हर बार ये लोग अपना रहे हों। शातिर तरीके से बार बार एजेंसियों को चकमा दे रहे हैं। मसलन एक तरीका तो सबसे पुराना है कि एजेंसी के भीतर से ही इनसाइडर सेटिंग करो और पेपर निकलवाओ, लेकिन एक नया और सबसे खतरनाक तरीका 2022 से अलग अलग परीक्षाओं में सेंधमारी के लिए अपनाया जा रहा है। अगस्त 2022 में राजस्थान में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले एक रैकेट पकड़ा गया और इसके मॉडस ऑपरेंडी ने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये लोग एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन के जरिए परीक्षार्थियों के कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस लेने की तैयारी में थे, तो उधर परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी बस नाटक करते रहते और कंप्यूटर पर सवाल हल उनका कोई और कर रहा होता, क्योंकि उनके कंप्यूटर का एक्सेस उस सॉल्वर के पास होता। कई मौकों पर इनके प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन का वीपीएन विदेश का भी बताता है। विदेश से तार जुड़ने के चलते नकल कराने का ये तरीका इतना गंभीर है कि इसकी जांच में एंटी टेररिज्म स्क्वाड को भी शामिल किया गया था। परीक्षाओं में सेंधमारी को ही अपना काम बना चुके ये नकल माफिया फिलहाल सभी सरकारों और एजेंसियों को चकमा देते नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में परीक्षाओं का ये अनुशासन भंग होना रुके और नकल प्रूफ लीक प्रूफ परीक्षाएं हो सकें। बड़ी खबर यहीं तक, अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी आई है बिहार से। यहां पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया है। कौन सा फैसला? बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने का। बिहार में पिछले साल यानी अक्टूबर 2023 के महीने में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद नीतीश सरकार की पुरानी कैबिनेट ने जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर कोटा बढ़ाने को लेकर 7 नवंबर को विधानसभा में विधेयक पेश किया था। इसमें ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का कोटा 18% से बढ़ाकर 25% और एससी का आरक्षण 16 से बढ़ाकर के 20% और एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव था। विधानसभा से ये विधेयक 9 नवंबर को ही पास हो गया था, जबकि 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया था। इसके साथ ही ये पूरे राज्य में लागू हो गया था। बिहार सरकार के इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी 20 जून के रोज कोर्ट ने बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण पर बिहार सरकार के फैसले को समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुआ बताया। यहाँ आपको याद दिला दें कि जिस वक्त बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था उस वक्त राज्य में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार थी। अब दोनों दलों की राहें जुदा भले ही हैं, लेकिन आरजेडी पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय, हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खतरा है। कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा PIL करा करके इस तरह का काम रोकना चाहते हैं, और जाति आधारित गणना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था। और जो सॉलिटेयर जनरल जो थे उस समय तुषार मेहता, उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया, एफिडेविट भी उन्होंने दिया था। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी, ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है। तो इससे हम लोग आहत हुए हैं। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी। बिहार सरकार ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत जाने की बात कही है। बिहार में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए और बिहार में सबको आरक्षण, इसलिए बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। अगली सुर्खी तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कल्ला कुरुची जिले में जहरीली शराब के कारण
मरने वालों की संख्या 34 तक पहुंच गई है और 60 अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। कल्याकुरिची के जिला कलेक्टर MS प्रशांत ने जिले की सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है कि जहरीली शराब का कारोबार रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और इलाज करा रहे लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति B गोकुल दास की सदस्यता वाले एक सदस्यीय आयोग ने मामले की जांच की घोषणा की है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में पेश की जाएगी। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने भी शोक व्यक्त किया है और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। 18 जून को इन लोगों ने शराब पी थी। घटना के बाद राज्य सरकार ने कल्याकुरिची के DM श्रवण कुमार जातावत का ट्रांसफर कर दिया है। वहीं जिले के SP समय सिंह मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। SP के अलावा 9 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। शराब बेचने वाले गोविंद राज उर्फ कन्नू कुट्टी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। AIADMK और राज्य में BJP समेत विपक्षी दलों ने अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए सत्तारूढ़ DMK सरकार की आलोचना की है। विपक्ष के नेता K पलानीस्वामी ने कहा कि DMK सरकार ने अवैध शराब को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने सरकार पर लापरवाही और जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने निषेध और आबकारी मंत्री थंगम थेन्नारासु के इस्तीफे की भी मांग की है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।